कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अब युद्ध स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल के परीक्षण के बाद अब 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है, जिसे लेकर होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में राज्य स्तरीय मीडिया परामर्श का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि हमारे वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। हमने राज्य में कुल 1,349 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं, जिसमें 7,016 डॉक्टर्स और नर्सों को शामिल किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि टीका लगने के बाद हमारे डॉक्टर्स उन मरीजों को फॉलो अप लेते रहेंगे जिन्हें टीका लगाया गया है। जो वैक्सीनेशन होगा अभी कोरोना के अगेंस्ट, उसके बारे में बता सकें तो जैसा कि हमने कि इस सेशन में बताया कि हमारे कुल 2.67 लाख स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनका फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार 16 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू होगी। लॉन्च के लिए 99 जगह हमने छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाई की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 99 जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, लगभग सभी ज़िलों में है, सारे मेडिकल कॉलेजेस भी उसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 16 जनवरी से इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे।